नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मिराकुलस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी. सो इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई लव यू. मेरा नाम कुमू है और आप मेरा नाम ले सकते हो, इसीलिए लिया है. ये मेरी वाटर फॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है. इसी साल मकर संक्रांति के टाइम पर मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था. हुआ यूं कि मैं आसाम से हूँ, तो मकर संक्रांति का जो हमारा फेस्टिवल होता है बिहू, तो उसमें हमारा बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो बहुत सारा उल्टा पुल्टा खा लिया था. तो उसके बाद अचानक से मेरे पेट में राइट साइड में दर्द होता था. जब मैं ऑफिस के लिए रिक्शा से जाती थी, जाने के दौरान मेरे पेट में दर्द होता था और इतना तेज कि मुझे रिक्शा से उतर करके जाना पड़ता था पैदल. थोड़ी देर जाने के बाद मुझे आराम मिलता था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड मेडिसिन भी दिया, पर ठीक नहीं हुआ. एंड फिर टेस्ट भी करवाया, फिर भी रिजल्ट नॉर्मल था एंड डॉक्टर ने भी बोला कि नॉर्मल ही है. लेकिन फिर वो दर्द गायब नहीं हुआ. मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या हुआ है मुझे. मैंने सोचा क्यों ना मैं वाटर अफर्मेशन ट्राई करूं, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखती हूं और वाटर अफर्मेशन के बारे में आपकी वीडियो से पता चला. मैंने उसको अफर्म करके पीना शुरू किया और ये बोल के मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, मैं सब खाना अच्छे से हजम कर पाती हूं एंड मैं जो कुछ भी खाती पीती हूं उससे ज़रूरी न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लास्ट में मैं थैंक यू बोल करके फॉर गिविंग मी अ हेल्दी स्टमक ऐसा कह के लगातार 4 महीने तक किया एंड ठीक हो गया. और जंक फूड तो मैंने छोड़ दिया. अभी सब हेल्दी खाना खाने का मन करता है. जब भी कोई फास्ट फूड या स्टॉल देखती हूँ तो भी ये ख्याल आता है, पता नहीं ये सब कैसे बनाया होगा. अभी भी मैं वाटर को अफर्म करके पीती हूँ, सिर्फ ये बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ हेल्थी एंड एनर्जेटिक बॉडी. मैंने खुद नोटिस किया है, पहले से मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ. थैंक यू सो मच दीदी, मेरी जैसी और कितने सारे हैं उनकी लाइफ में आने के लिए, मैजिक क्रिएट करने के लिए. यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ क्रिएटर, थैंक यू, आई लव यू. तो बहुत प्यारी वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी थी. थैंक यू सो मच कुमू. मुझे लगा ही ये नाम जो है ना, ये पक्का किसी ऐसी जगह का है. मतलब थोड़ी सी अलग जगह का है, तो ये आसाम से थी सक्सेस स्टोरी. और ऐसा होता है, तो जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो मेरा भी यही हाल हो जाता है. मुझे लगता है ओए मैं क्या खा लूँ. मैंने अभी दिवाली पे, हालांकि मैं काफ़ी सतर्क रहती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्या करें. पार्टीज होती हैं, कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी केयरफुल हो जाते हैं हम. ये मैंने भी नोटिस किया है, जब हम वाटर को अफर्म करके पीते हैं ना, तो हम अपने आप ही बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और कॉन्शियसली वैसी जो मिस्टेक्स होती है ना, करने से बहुत हद तक दूर रहते हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस चीज़ को लेकर के 90% तक ऐसा है, जंक फूड से हम बहुत दूर हो जाते हैं. वो अपने आप ही होता है, ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, कि हमारी ऐसे लार टपक रही है और हम खाना चाहते हैं और मरे जा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. कोई कोई चीज़ हम खा भी लेते हैं और कोई चीज़ नहीं, ज़्यादातर चीज़ों में हमें ऐसे भी लगता है कि नहीं खाना है या मन नहीं कर रहा है या बाद में देखते हैं, पता नहीं, अच्छा फील नहीं आ रहा है, बाद में खा लेंगे, ऐसा कुछ होता है. मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है. तो इससे होता क्या है, वो टाइम होता है जब टेम्पटेशन, ऐसा लग ये बड़ा टेम्पटिंग है, तो वो वाला टाइम जब निकल जाता है तो उसके बाद उस चीज़ को खाने की उतनी वो होती नहीं है. जैसे होता है ना कि हाई बस क्रेविंग हो रही है और मुझे खाना ही है, तो उस टाइम वो निकल जाने के बाद उतना नहीं होता है. तो बेसिकली वो हमारा शरीर उस चीज़ को कंज्यूम करने से बच भी जाता है. तो ये चीज़ मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया वाटर अफर्मेशन के बारे में. मैं डेली बेसिस पर ही वाटर को अफर्म करके पीती हूँ और इस चीज़ से मैंने 90% इस चीज़ को देखा है जो इन्होंने बोला ना कि जंक फूड की तरफ अब नहीं जाता. ये इसलिए नहीं होता कि हमारे पेट में दर्द हो गया था या हमारी तबीयत खराब हुई थी, ऐसी तो हजारों बार हो चुकी है, लेकिन वो वाटर अफर्मेशन के बाद ही हमारा अगर मूड उस चीज़ को लेकर के उतना वो नहीं हो रहा है, क्रेविंग्स उतने ज़्यादा तेज वाले नहीं हैं, हम अवॉइड कर पाते हैं ईजिली, तो कहीं ना कहीं वो एक मेमोरी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर उस वाटर के थ्रू फिट हो रही होती है और वो चीज़ हमें उससे नेचुरली दूर कर रही होती है, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स सचमुच में बहुत ज़्यादा ही हैं, है ना. तो जंक से अगर हम दूर हो पाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या है, लार टपकने से.
कुछ हेल्दी खा लेते हैं तो इससे बढ़िया और क्या है। आई थिंक इससे बढ़िया और कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मे बी अगर आप एक जंक फूड लवर हैं तो ट्राई करके देखिए, थोड़ा बहुत छूटेगा, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप ही को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ट्राई करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।